यस, मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह का समय है और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, बट संस्कू नहीं गया, संस्कू का एग्जाम है। और मैं जा रही हूँ, चाय पी ली हूँ, और चाय पीने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो अली चलिए किचन में क्या बनाती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। आ गए किचन में। तो देखिए मैं क्या प्रिपरेशन करके रखी हूँ। ये प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक है, और ये जो है, सॉरी, इसमें चना का दाल है। इसको मैं रात में फूलने दे दी थी और सुबह में इसे मैं पीस ली हूँ। और ये है अदरक लहसुन जीरा कुलकी का पेस्ट है, और सारे बारीक मसाले देखो वहाँ पे। तो आज मैं बना रही हूँ, गेस करो, नहीं गेस कर पाओगे। तो आज मैं बना रही हूँ चने दाल की पकौड़े की सब्जी। तो चलिए आप लोग से रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं सारे प्याज को छीलती हूँ और इसे मैं एकदम महीन लंबे काट लूंगी। प्याज काट लिया और मैं हरी मिर्च को एकदम महीन से सारी मिर्च काट लूंगी। के बाद में अदरक को पूरा में काट लेंगे। अब सारे जो मैं काटी हूँ सारे उसे मिक्स कर दूंगी। मैं सारे इसमें मिक्स करती हूँ और गैस अब ऑन कर देती हूँ। गैस ऑन कर दी और इसमें मैं ये जो है जमाइन मंगरेला है इसमें थोड़ा ऐड करूंगी। नमक ऐड करूंगी, ये नमक है। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। डाली हुई थी अब इसमें, हाँ, ये अदरक लहसुन जीरा गुलकी का सारा पेस्ट है ये इसमें डालेंगे। हो गया। और कढ़ाई में पहले से तेल है, थोड़ा सा मैं और डालूंगी। तेल गर्म होने इसको मैं अब मिक्स करूंगी। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब जो मेरा तेल है वो गर्म हो चुका है। अब इसे मैं इस तरह करके इसे मैं कम आंच कर दूंगी।
आप जो है मीडियम लो पे बनाना चाहिए। मैं हर एक रेसिपी जब भी मतलब कोई आप लोग से शेयर करती हूँ उसमें मैं बताती हूँ कि कोई भी चीज़ बनाइए आप तो आज को मीडियम रखिए, तो वो जो चीज़ है उसमें अच्छा सा तेल मतलब जमेगा और मसाला उसमें अच्छा सा मिक्स होगा, इसलिए कम आँच पे कोई भी चीज़ बनाएगी। गैस की अगर गैस का भी बचत कम होगा। अभी इसमें देखिए ये होगा, मैं हाथ धो लेती हूँ। ये सब जो सब्जी है ये सब बरसात के मौसम में आप लोग खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि बड़ा बरसात के मौसम में हरी सब्जी खाने का मन नहीं करता है और लगता है कि यही सब सब्जी खाओ चाहिए, इसलिए बरसात के मौसम में ये सब सब्जी खाना बहुत जरूरी है। होने तक मैं पकने देती हूँ और ये देखो रेड होने लगा है तो इसे मैं पलट दूँगी। रेड होने तक कुरकुरे तक मैं इसे पकाऊंगी। इसी तरह करके मैं सारा जो बेसन ये जो चना दाल का जो बेसन तैयार की थी वो सारा मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद इसका ग्रेवी लगाऊंगी और इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसको लॉक करती हूँ और फ्रेंड्स अब मेरा सारा पकौड़ा जो मैं फ्राई कर ली हूँ ये से निकाल लेती हूँ और यहाँ शेप देती हूँ। सारे पकौड़े को मैं निकाल ली हूँ। अब इसमें मैं ग्रेवी लगाने के लिए देखो ये जीरा है, तेजपत्ता, सूखी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट और भी मैं मसाला डालूंगी। पहले सबसे पहले सूखी मिर्च डालूंगी, फिर तेजपत्ता डालूंगी, फिर पकाऊंगी। ये रेड हो जाएगा, इसमें प्याज डालूंगी, सॉरी इसमें टमाटर भी डलाता है, मुझे लगा कि मेरे फ्रिज में टमाटर रखा हुआ है लेकिन जब मैं फ्रिज खोल के गई देख रही हूँ टमाटर है ही नहीं। कोई नहीं, बिना टमाटर का भी बन सकता है। अब इसमें मैं ये प्याज डालूँगी, सोची बना रही थी मुझे आप लोगों से शेयर कर दूँ। इसमें आप टमाटर, धनिया का पत्ता ये सब भी डाल सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास ना धनिया का पत्ता है ना टमाटर मौजूद है, इसी तरह बना रही हूँ। इस तरह बनाओगे तो टेस्टी ही लगेगा। ऐसे कम आँच कर देती हूँ और कम आँच तक इसे रेड होने तक इसे भून लूँगी। गैस का जो कलर है अब रेड होने लगा है तब इसमें मैं ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये ऐड कर दूँगी। और इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी। ये नमक जो है पकौड़े में डाली हुई थी इसलिए ग्रेवी में हल्का डालूंगी, बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। हल्दी पाउडर और
ये धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और इसमें गरम मसाला मैं रखी हूँ, गरम मसाला है, और इसमें मैं ये जो पानी है थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। दो से तीन मिनट तक इसे मैं फ्राई करूंगी, जब तक ये सॉरी फ्राई कर भूलूंगी जब तक कि मसाला से तेल छोड़ने ना लगे। ऐसी तरह आज मैं करूंगी। अब जो है मसाला तेल से छोड़ने लगा है, और ये पानी मैं इसमें बेसन जो घोली थी उसका पानी निकालना। अब इसमें मैं उबाल आने तक इसे, जब इसमें उबाल आने लगेगा तो ये सारे पकौड़े इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें उबाल आने लगा है, मैं इसमें एक बार थोड़ा सा चला दूंगी, देख कर आने लगा। आज को कम की इसमें सारा पकौड़ी ऐड कर दूंगी। ये मेरा सब्जी तैयार है, चने दाल की पकौड़ी वाली सब्जी, और थोड़ा सा मैं रख देती हूँ सूखा खाने के लिए। क्योंकि मसाला जो पहले से भुंजा हुआ था और पानी डाल के मैं फिर से ये पहले ने तो कोई पकाई थी, तो इसलिए इसे हो गया है। इसे ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा अगर इसे मैं खोलाऊँगी तो यह गलने लगेगा, टूटने लगेगा, इसलिए ये तैयार हो गया। मिलती हूँ थोड़ी देर में कुछ नया कंटेंट लेके। बाय। हेलो फ्रेंड्स, देखो मैं बाहर गई थी, बाहर से भी आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब जाऊंगी कुछ खाना बना बनाऊंगी। मम्मी के यहाँ चले गई थी, बाहर गई थी, फिर वहाँ से मम्मा के यहाँ चले गई, मम्मा के यहाँ से अभी जस्ट आई हूँ, तो अभी कपड़ा चेंज की हूँ, उसके बाद बैठी तो सोची आप लोगों से बात कर लूँ। जैसे ही मैं आने लगी तो मेरे साथ एक क्यूट सी नन्ही सी परी आई है, आप लोग को मिलाती हूँ। देखिए मिली टुक टुक से, बादल गरज रहा है बाहर। टुक टुक क्या खा रही हो, क्या खा रही हो बेटा? पापा को आज खाना क्या खाई बताओ तो? पॉप खा रही हो। देखिए ब्रेड को बोल रही है पॉप, पॉप का मतलब होता है लॉलीपॉप, ऐसे मैंगो बहुत पसंद है। टुक टुक क्या खा रही हो? टुक टुक क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है बताओ? अच्छा नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, क्या नाम है, नाम बताओ, नाम बताओ। आई किसका बाला है? देखिए देखिए बाला पानी हुई है, बाला किसका है बेटा? ये किसका है? किसका है? टुक टुक। आ खाना क्या खाई आज? आम खाई। अब मम्मा कहाँ है तुम्हारी? मम्मा है। हाँ मम्मा।
नहीं मालूम। ये किसका है, ये किसका है ब्रेड, किसका है ये, किसका ब्रेड है? टुक टुक का। टुक टुक पढ़ाई की है, की है क्या पढ़ाई की है? दीदी पढ़ाई की है। और टुक टुक नहीं की है, की है यहाँ से। मम्मी क्या करेगी मम्मी, ओपन कर दूँ, क्या कर दूँ इसको, तोड़ दूँ? ओ टुक टुक खाएगी, कैसे खाएगी टुक टुक? टुक टुक कैसे खाएगी, ऐसे खाएगी। अच्छा अच्छा सुनो ना, YouTube फैमिली को बोल दो मिठू दे दो, तो मिठू दे दो, तो मिठू दो, तब खोल दूंगी उसे, ओपन कर दूंगी। मिठू दे दो, ऐसे कर दो, ऐसे हाँ, हाय कर दो, हाय। हाँ बोलो हाय, आप लोग आइए मेरे घर, बोलो बोलो मेरे घर आइए, बोलो बोलो आइए मेरे घर, टुक टुक के घर। टुक टुक क्या खिलाएगी तो? भात दूध। भात दूध क्या होता है? मिलती हूँ थोड़ी देर में, इसको ओपन कर दे रही हूँ। संसु और टुक टुक दोनों लड़ाई कर रहे हैं। क्या 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 बोलो बेटा, भैया मार रहा है। भैया को लव यू बोल दो, लव यू बोल दो भैया को। क्या भैया मार रहा है टुक टुक को, बोल दो सॉरी भैया, टुक टुक को मार रहा है, दो, बोलो नहीं भैया।